हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा, जो दोस्तों आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए और जिनके बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर दोस्तों और नए नए टॉपिक आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं, इतना से आप देखिएगा इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कप हॉकी से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों, आपका बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कप बिलोंग टू हॉकी। ये आपका नारंग कप होगा दोस्तों, या कलिंग कप, या सहारा कप, या बीटन कप। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा बीटन कप। बीटन कप आपका दोस्तों हॉकी से संबंधित है, और आपका नारंग कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, और कलिंग कप आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, और सहारा कप दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? दोस्तों आपको बताना अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंस रूल इज इम्प्लीमेंटेड। ये आपका दोस्तों कौन सा वाला अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 350 या फिर 352 या फिर आपका 356 या 360। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 356, आर्टिकल 356 दोस्तों। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों 6 महीने के लिए लगभग यहाँ पर आपका शुरुआत में शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु अन्य में से मिलकर अमलगम बनाती है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विच अदर मेटल। ये आपका दोस्तों कॉपर होगा, आयरन होगा, सिल्वर होगा, पारा होगा। यहाँ पर देखिए आपका पारा दोस्तों अन्य धातु के साथ मिलकर के एक मिश्र धातु बनाता है, एक अमलगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, मरकरी दोस्तों, HG आप फॉर्मूला याद रखेंगे। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों, रेटिनॉल होगा, या एस्कॉर्बिक एसिड होगा, या आर्गोकैल्सिफ्रोल होगा, या राइबोफ्लोइन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है रेटिनॉल दोस्तों, विटामिन ए को आप रेटिनॉल बोलते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड आपका होता है विटामिन सी का, ये भी आप याद रखेंगे, और एर्गो कैल्सिफ्रोल आपका विटामिन डी का नाम होता है दोस्तों, और राइबोफ्लोविन आपका विटामिन B2 का नाम होता है। तो सभी को आप याद रखेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थात आपको बताना है होमी भाभा प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों। ये आपका अंतरिक्ष अनुसंधान में, या लेजर में, या परमाणु ऊर्जा में, या कोई नहीं। ये दोस्तों परमाणु ऊर्जा में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, होमी भाभा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक फ्लेम इज सिंबल ऑफ। आपने देखा होगा शुरुआत में दोस्तों, प्रारंभ खेल प्रारंभ करने से पहले एक मशाल लेकर के एक मशालची भागता है, तो इसका क्या अर्थ है आपको बताना है, समानता का सद्भाव, समानता व सद्भाव, गति पूर्णता या व ताकत, या प्राचीन व आधुनिक, खेलों की निरंतरता, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, प्राचीन व आधुनिक, खेलों की निरंतरता, जो आपका पहले से चला आ रहा है, तो उसी को यहाँ पर आपका आधुनिक में दिखाने के लिए आपका मशाल का दोस्तों प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष 2016 में अशोक चक्र वीरता पुरस्कार दिया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आर्मी के लिए। आपको बताना है दोस्तों, विच इज अवॉर्डी ऑफ अशोक चक्रा गैलेंट्री अवार्ड 2016। ये दोस्तों आपके हरविंदर सिंह होंगे, या लॉस नायक, मोहन नाथ गोस्वामी होंगे, या सुबेदार महेंद्र होंगे, या कोई नहीं। ये दोस्तों हो जाएंगे लॉस नायक, मोहन नाथ गोस्वामी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन का स्रोत है, द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। आपको बताना है दोस्तों, ये कवक होगा, शैवाल होगा, या प्रोटोजोआ होगा, या खमीरा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होगा फंगी होता है, कवक, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की, हु हैज बीन डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। रक्त समूह दोस्तों आपके AB जो भी हैं, और ओ आपका होता है, तो इनकी खोज किसने की आपको बताना है। ये दोस्तों किसने की, कार्ल लैंडस्टीन ने, या हार्वे ने, या स्मिथ ने, या रॉबर्ट हुक ने। ये दोस्तों हो जाएंगे कार्ल लैंडस्टीन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रबल क्षार है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड बेस। दोस्तों पहले आपको प्रबल क्षार का पता होना चाहिए दोस्तों। इनमें देखिए दोस्तों,
जब आप कोई क्षार को जल में मिलाते हैं, वियोजित करते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपका OH आयन निकलता है। तो OH आयन यहां पर पूर्णतया जिनमें वियोजित हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, उन्हें आप प्रबल कहेंगे, और जिनमें पूर्णतया नहीं हो पाएगा वो आपके दुर्बल कहलाएंगे। तो इनमें से आपका कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH दोस्तों। जब आप यहाँ पर डिजोल्व करेंगे दोस्तों वाटर में, तो ये आपका OH टोटली डिजोल्व होता है, तो इसीलिए आपका ये प्रबल होगा। वैसे ही दोस्तों आपका NaOH भी होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कभी आपका यहाँ पर NaOH भी आ सकता है दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए, लोहे का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ आयरन आपको बताना है दोस्तों। ये फ्लोरियम होगा या फेरस होगा या फोटोन होगा या फ्लोरीन होगा? दोस्तों आपको सिंबल पता होगा, सिंबल आपका Fe होता है, तो ये आपका दोस्तों फेरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, फेरस। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, इंडिया गेट स्टेट्स ऑन इन विच सिटी? ये आपका दिल्ली में दोस्तों, या मुंबई में, या कोलकाता में, या लखनऊ में? ये आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम है, अमरकंटक सोर्स ऑफ इन विच रिवर? ये आपका नर्मदा का, या गोदावरी का, या कावेरी का, या गंगा का? ये दोस्तों आपका हो जाएगा नर्मदा नदी का दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस तरह के क्वेश्चन को लगातार हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ ही बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।